हे गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। सो मैं तो एकदम फुल रेडी हो गई हूँ आज मकर संक्रांति के दिन। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि थोड़ा बहुत तो रेडी होना चाहिए और अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग अपना मकर संक्रांति कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं और कैसे कैसे अपने थाली को आप लोग थाली में क्या क्या खा रहे हैं। सो येस, मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं और पीछे मेरा व्लॉग चल रहा है टीवी में और मैं आज रेडी हो गई। मैंने ये सूट वियर किया है एकदम ट्रेडिशनल। मैं कुछ ना ट्रेडिशनल वियर करना चाह रही थी और इसीलिए मैंने वियर किया। मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। फिलहाल थोड़ा मैंने मेकअप भी किया है और अभी देखते हैं आगे का क्या प्लानिंग है। और आज मैंने ये बैंगल्स भी डाल रखा है। सो येस, गोल्ड का पहना है मैंने और अभी मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। सो हेयर आई एम एंड आई एम रेडी नाउ। और मैंने आज ये सूट और ये लेगिंग्स डाल रखा है और मैंने ये मंगलसूत्र भी वियर किया है और ये मेरा चूड़ी। सो येस, अभी मेरे बाल पूरे के पूरे गीले हैं, सूखे नहीं हैं अभी तक। सो अभी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। सो गाइज, किचन में आ गई हूँ और आज मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, लिटरली मेरा थोड़ा तबीयत खराब है बट स्टिल सब्जी आज पति देव ने बनाया है। क्योंकि सब्जी मैं बना रही थी बट उन्होंने कहा कि आपके हाथों का तो रोज खाता हूँ, आज मैं खुद से बनाता हूँ क्योंकि उनके पास टाइम था इसीलिए। और बाद बाकी वो सब्जी बनाया तब तक मैंने घर का सारा वर्क फिनिश कर लिया। अभी लिटरली बाल बहुत भींगे हैं और सूख जाएंगे थोड़ी देर में। तो सब्जी बन गया है आज, मुढ़ी सब्जी और चूड़ा दही चीनी ऐसा सब कुछ प्लेट में लगा के खाने वाले हैं। तो 10 बज गया है, उनको ऑफिस भी जाना है तो स्टार्ट करते हैं सारा कुछ। और सब्जी की जो खुशबू है ना वो लिटरली बहुत अच्छी है, मतलब इट स्मेल्स वेरी गुड एंड आई कांट वेट टू ईट। सो देखते हैं, आलू गोभी मटर की सब्जी बनी है और पतिदेव ने बनाया है आलू गोभी मटर। सो येस, और पतिदेव अभी रेडी हो रहे हैं तो अभी चलते हैं, खाना लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं मकर संक्रांति सेलिब्रेशन। गाइज, यहाँ है मेरा सब्जी, देख सकते हैं पतिदेव ने बनाया कितना टेस्टी लग रहा है। और यहाँ है सारा कुछ, जो भी आइटम सब है ये सब चूड़ा लाई और नीचे भी है ये तिल का लाई, ये सारा ये गुड़ मैंने आपको कल दिखाया था। सो गाइज, यहाँ है मेरी प्याली छी बुग्गू और आप देख सकते हैं आज इन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है, बहुत ज्यादा। और ये सारा कुछ ये लगा रहे हैं, मैं आपको तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मतलब विद इन 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स कि क्या क्या। ओ माय गॉड, दही देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सब्जी लिटरली खाती बहुत कम है, झूठे बोलिए, पानी आ रहा है, खाती बहुत कम। हाँ तो मैंने बताया कि मैं दही वगैरह नहीं खाती हूँ, मैं मिठाई खाती हूँ। सो येस, और इट स्मेल्स गुड। और मिठाई देखे तो मेरे मन क्या कर रहे हैं, मैं तुरंत तुरंत खा लूं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा, इतना अच्छा अच्छा स्वीट्स लाए हैं पति दे। अब वो वाला भी लीजिएगा ना, वो जो कल आए थे, एक काजू टाइप का, काजू टाइप का नहीं लाए थे? काजू वाला, वो भी निकालिएगा। वो मैं नहीं खाती बट एटलीस्ट थोड़ा टेस्ट कर लेंगे ना आज के दिन। मैं अभी ना मम्मी से बात कर रही थी, यानी कि मेरी सासू माँ से, उनसे बात करके ना मेरा दिन पूरा कम्प्लीट हो जाता है। मैंने सजाया है इसको। हाँ, और ये ना कुछ कुछ कैसा लग रहा है, जैसे होटल मतलब कि रेस्टोरेंट में नेस्कैफे कॉफी होता है वैसे ही यहाँ पे ना दही चूड़ा कॉफी चल रहा है। उधर मिसेज का ब्लॉग चल रहा है। यस, और ये गुलाब जामुन कितना क्यूट है। वाओ, हाय गाइस, जिसको भी खाना है कृपया मेरे घर आ जाए। कितना सारा आइटम है। यस, रसमलाई, वाह वाह, मेरे पापा का फेवरेट है, काश पापा होते यहाँ पे। मिस यू पापा, जल्दी आइए। वैसे पापा को बात किए हैं तो पापा बोले हैं कि थोड़े दिन में पापा मम्मी आने वाले हैं, तो फिर उनको हम लोग ना घुमाने लेके चलेंगे, फिर से हम लोग एक और व्लॉग बनाएंगे, फिर से उनको घुमाएंगे। खुश रखना माँ बाप को बहुत जरूरी होता है, बहुत बहुत बहुत, उनके अलावा आपके इस दुनिया में ना कोई भी नहीं होता। सो इसीलिए उनको जीवन में चाहिए क्या, बस खुशी चाहिए होता है। थोड़ा खुशी के नाम पे रस डाल दे, मीठा डाल दीजिए, क्यों नहीं। तो
ये व्हाइट वाला मेरे पापा का फेवरेट है। हाँ ये, और ये रसमलाई मेरी सासू माँ का। चलिए थाली तो रेडी है, बट हम लोग ना कोई ऐसा, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये सब देखने के बाद कोई ऐसा ना कमेंट करे बुकर कितना खाती हो ये कहाँ जाता है इतना, तो कोई ऐसा ना कमेंट करे कि वाह तो कितना खाता है, तो बुकर है। मतलब गाइस माफ कीजिएगा, आज के दिन थोड़ा बहुत चलता है, नो डाइटिंग नथिंग। इसमें मिल्क भी पड़ेगा, मिल्क रेडी है, मिल्क देंगे सब कुछ। और ये देखिए सब्जी, ये सब्जी बनाया है पतिदेव ने, आज मैंने खुद बनाया। बैठ चुके हैं खाने के लिए और यहाँ हमारा डिश है, हैप्पी मकर संक्रांति। सब्जी क्या टेस्ट है? आपने मेरे को, मैं भी आपको खिलाऊंगी ना। ओके सच में, मतलब एकदम चटपटा सा टेस्ट है। वाओ थोड़ा ही, हैप्पी मकर संक्रांति नहीं लगाई, टेंशन ना लीजिए। और आपको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और खाना लिटरली बहुत टेस्टी है, तो अब स्टार्ट करते हैं। वेट नहीं हो रहा, वहाँ हमारा बुर्ज खलीफा चल रहा है। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये मेरा गेट, ठंड बहुत काफी है, बट चलते हैं छत पे, पतिदेव तो छत पे हैं। और पतिदेव बैठ के धूप लगा रहे हैं छत पे, यहाँ बैठे हुए हैं। धूप अच्छा है, काफी 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 अच्छा। ओ माय गॉड, मतलब फेस पे धूप लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कब से बोल रही थी कि आपको, आप चलिए छत पे, तो आपको लगा कि नहीं 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 नहीं, बट लिटरली बहुत अच्छा धूप है। और थोड़ा थोड़ा पतंग उड़ रहा है ना, वो दिख रहा है, कहीं कहीं पतंग उड़ रहा है। बहुत अच्छा धूप है, ऐसी धूप में बैठना चाहिए थोड़ा थोड़ा देर के लिए। हाँ मैं भी बैठ जाती हूँ। आज मैंने इनको ना लटपटाए रखा है, ऑफिस में जाने दे रही हूँ, बोल रही हूँ थोड़ी देर में चले जाएंगे, थोड़ी देर में चले जाएंगे। अब थोड़ी देर कब होता है देखते हैं। यहाँ पे स्टूल रखा हुआ तो वो हटा दिया ना। धूप काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये धूप का जो सनलाइट है ना, ये फेस पे आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, लग रहा है जैसे हीटर चल रहा है, एकदम हीटर वाला फीलिंग आ रहा है। ये लड़की पागल है, पागल है। ये है मेरा आज का लुक, ऑफ माय डे। ये मुझे ना दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा, सच में कैसा लग रहा है? पतिदेव जा रहे हैं, फिर कब आएंगे? हाँ अभी तो 1 बज रहा है, 2-3 घंटे बजेंगे, 3 बजे तक आ जाएंगे। 3 बजे काफी तो बज गया जाता है ये। नहीं अभी 1 बज रहा है, 3 नहीं बज रहा, जाते ही 3 बज गया। 3 बजे तक आ जाइएगा। सो यस, बहुत सारा रील शूट किए, वीडियोस बनाए और बहुत सारा बातें भी किए। हम लोगों तो हर टाइम मस्ती चलते ही रहता है, बट अभी पतिदेव जाएंगे, विंडो लगा देते हैं, हवा आ रहा है। मतलब छत पे है ना तो धूप लगता है, और नीचे आने के बाद ना ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। बट आज 1 बज रहा है, थोड़ा टाइम तो घर में भी दिए हैं। आइएगा तो फिर टाइम दीजिएगा, और जल्दी आ जाइएगा। क्या हमको तो हर जगह टाइम ही देना होता है। सबको, मम्मी पापा को टाइम, सबको टाइम देना भी चाहिए,
24 आवर्स ही सबको मिलते हैं टाइम निकाल के देने के लिए सबको. सो इनको वॉच देना, इनको शूज पहनाना, इनको घड़ी देना, ऑफिस का चाबी देना, ये सारा कुछ मेरा काम होता है देना. मेरा मेरा मेरा, मेरे अलावा कोई नहीं. इनको कुछ इनको मिलेगा ही नहीं. मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मुझे उनको कोई भी सामान मिलेगा ही नहीं घर में. कहाँ है इसमें कुछ नहीं है. ओके मिला, मिल गया. बाय बाय, जल्दी बाय. क्या मतलब बाय? मुझको भी बार बार मैसेज फोन आ रहा है. बाय बाय मारे क्यों? मारे आशीर्वाद है ये. आशीर्वाद है? ऐसा कोई आशीर्वाद देता है? ऐसा लेना चाहिए सब कुछ लिए. सो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. मिस्टर हैंडसम जा रहे हैं. सो गाइस कल भी व्लॉग आएगा. कल भी संडे है तो कल तो जाएंगे शॉपिंग के लिए. सो संडे का तो स्पेशल व्लॉग आएगा बिकॉज संडे का जो शॉपिंग करेंगे वो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए करेंगे. वो ओकेजन क्या है वो आपको थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में पता चलेगा. बट शॉपिंग कल से ही कर रहे हैं बिकॉज टाइम अभी है मेरे पास. बट मैं नहीं चाहती कि लास्ट टाइम मैं ऐसे भाग दौड़ करूँ. सो स्टिल थोड़ा 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 शॉपिंग मैं भी करना स्टार्ट करूँगी. बट हाँ, एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है जो कि आप लोगों को पता चलेगा, बट अभी नहीं, आने वाले दिनों में पता चलेगा, आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा. तो अगर आपको सरप्राइज़ जानना है तो मेरे व्लॉग्स में कंटिन्यू रहिएगा. तो मैं आपको दिखाती हूँ पतिदेव जा रहे हैं. सो अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में. और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे व्लॉग्स में कंटिन्यू रहिए बिकॉज आपको आने वाले व्लॉग्स में बहुत कुछ पता चलेगा कि हम शॉपिंग क्यों कर रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं. सो अभी तो रिवील नहीं करूँगी, नहीं तो पतिदेव मेरे को कूट देंगे. वो बोले, मतलब कि वो बोले क्यों अभी रिवील करना. वो वही बोले कि अभी रिवील नहीं करना है, आने वाले टाइम में रिवील करना है. सो अब मैं विंडो वगैरह लगाऊंगी, कर्टेंस लगाऊंगी और अभी 1 से 2 घंटे मैं आराम से चैन से सोऊंगी. बिकॉज मुझे दिन में एटलीस्ट स्लिप मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना नींद 1-2 घंटे की चाहिए होती है, ठंड हो या गर्मी, क्योंकि मुझसे मेरे फेस को काफ़ी रिलैक्स फील होता है और सोने से ना आपका माइंड भी हल्का हो जाता है. सो यस, और सोच रही इस मंगलसूत्र को उतार दूँ क्योंकि सोने में ऐसे कहीं टूट गया. तो गाइज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और मेरे ब्लॉग में बने रहिए. ब्लॉग को बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए और ब्लॉग को स्किप मत कीजिए. वो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ. आज पता नहीं कैसे 2-3 घंटे नींद आ गए और ठंड तो है, रूम में बहुत ठंड लग रहा था. बट मैंने हीटर चला रखा था तो ठंड नहीं लग रहा था. बट अभी बंद की हूँ और बेड पे से उठी हूँ तो इतना ठंड लग रहा है इसका जवाब नहीं है. बट अभी मैं याद ही नहीं रहा मेरे को कि बालकनी में मैंने कपड़े भी दिए थे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, तो वो कब के हो चुके हैं. वैसे तो वो ऑटोमेटिक है, खुद ही बंद हो जाता है, बट मैंने अभी तक उसको मतलब कि बाहर निकाल के तार पे डाला नहीं है. तो वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में पतिदेव आ जाएंगे क्योंकि उनको कोई 2-3 मीटिंग और था तो वो इसलिए थोड़ा डिले हो गया आने में. बट यस, अभी चलते हैं बालकनी में. काफ़ी ज़्यादा इधर ना हवा थोड़ा थोड़ा है. ये सारा जो भी क्लोथ्स है ये सब सब सूख चुका है और वॉशिंग मशीन में जो है वो अब डालना है. सो यस, और यहाँ से डायरेक्ट रोड दिखते रहता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है. और यहाँ से तो पतिदेव का ऑफिस भी दिखता है, आप लोगों को तो पता ही है. गेस व्हाट मिस्टर, कान में खांसी कीजिए, कान में बजने लगा मेरा. तो आ गए ऑफिस से और पतिदेव थोड़ा थके थके लग रहे हैं तो अभी उनको थोड़ा देर रेस्ट करने देते हैं. चाय पी? कुछ नहीं. क्यों ऐसे? क्यों अब क्यों क्या कुछ नहीं ऐसे ही. थोड़ी देर में तो मैं बनाऊंगी तो पिएंगे ही. तो फिलहाल मैं हम कपड़े डाल के आते हैं. कपड़े पहन के आइए. कपड़े डाल के आते हैं, ठीक है. इनको इतना ध्यान रहता है मेरे पे कि कपड़े पहने. अभी मैंने कुछ पहना नहीं है ना, ऐसे बस एक सूट डाल रखा है और ठंड काफी ज्यादा है इसलिए. और आए हैं ऑफिस से तो मेरे पे गुस्सा भी रहे थे कि आप कपड़े क्यों नहीं पहने हैं,
स्वेटर पहनना चाहिए था, तो वॉशिंग मशीन में जल्दी जल्दी गाइस कपड़ा जो भी है सबको डालते हैं और चलते हैं किचन में, फिर चाय बनाऊंगी। इनको पानी भी देना है, पानी भी नहीं पिए हैं, और फिर इसको चेंज करना है और चेंज करके फिर कोई दूसरा सा उलन वाला पहनूंगी, बिकॉज लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है मेरे को, मैं बता नहीं सकती, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। किचन में थोड़ा सा रसमलाई काफ़ी टेस्टी था, बट अभी थोड़ा चाय पीने का मन कर गया है, ठंड में थोड़ा चाय भी पीना चाहिए, और आज ना मॉर्निंग में ना चाय पी और ना अभी चाय पी हूँ, तो स्टिल अभी 7:30 हो रहे हैं तो मन कर रहा है चाय पीने का। और आज हमारा डिनर हो गया है, हमने सब्जी और मुरही ही खाया है, और राइस खाने का मन नहीं किया और मुझे रोटी बनाना बिल्कुल भी नहीं था। सो अभी आई हूँ चाय बनाने किचन में, यहाँ पे चाय दूध गर्म हो रहा है, फिर चाय बनाऊंगी। सो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि मुझे आगे की अभी एडिटिंग भी करनी बाकी है और वीडियो एडिट करना है, अभी जाऊंगी फिर वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद फिर अपलोड करूंगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सो आई होप आपको ये मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग अच्छा लगा हो। सो गाइज प्लीज़ अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि आपके न्यू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तक ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनके पास पहुँचना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा और आगे मैं व्लॉग्स लाती रहूँगी। सो येस, एंड कल संडे है तो कल संडे का भी व्लॉग बनेगा, और कल शॉपिंग भी करने जा रहे हैं हम लोग। शॉपिंग क्यों करने जा रहे हैं ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, बट येस स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, बिकॉज मुझे शॉपिंग करने जाना है और मुझे शॉपिंग से ना लिटरली बहुत प्यार है। कल मैं अपने लिए जाऊंगी लेने के लिए, और पतिदेव के लिए भी कुछ कुछ लेंगे, मतलब पसंद आएगा तो लूंगी और नहीं तो फिर देखूंगी क्या कैसे है। बट येस, सो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।